मोदी साहब एक तो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर मिले, मुझे कहा मैं मोदी जी का भक्त हूं। मेरे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया, बोले मोदी जी को एक फोटो दिखाई। जर्मन के कुछ लोग मिले, सऊदी के कुछ प्रमुख लोग मिले, बोले आप मोदी जी के साथ हो ना। मैंने कहा हम उनके लोग हैं। और मुझे कहने को बहुत आनंद हो रहा है कि मोदी जी का करिश्मा, उनके लोकप्रियता की डंका तो अपने देश में तो बजा रहे हम सब, लेकिन दुनिया में दावोस में भी उनके नाम की डंका सुनाई पड़ रही है। यह हमारा गौरव है। वहां ये सुनने के बाद 1,55,000 करोड़ के तो एमओयू हो गए, लेकिन इसके पीछे आशीर्वाद मोदी साहब का था, क्योंकि वहां पर जो माहौल था, वहां पर माहौल देखने के बाद इतनी खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम पूरे दुनिया के प्रमुख लोगों के जबान पे है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए गौरव है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि G20 की प्रेसिडेंटशिप भी हमारे भारत देश को मिली, ये भी हमारे लिए गौरव है, गौरव की बात है। और ये क्यों मौका मिला? क्योंकि पिछले 7-8 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी ऊंचाई पर आपने ले रखी, इसीलिए तो ये G20 का अध्यक्ष पद हमें मिला। और इसलिए मैं आपका आभारी हूं कि महाराष्ट्र को भी आपने मौका दिया। 4 शहरों में ये G20 के समिट हो रहे, मुंबई में हो गया, पुणे में होगा, नागपुर में होगा और संभाजीनगर औरंगाबाद में होगा। और इसलिए आप दुनिया भर के लोग मुंबई में आए थे, इतने खुश हो गए। अभी मैं यहाँ पर हमारे कमिश्नर चहल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, यह मुंबई को चमका दिया। तो लोगों के पेट में दर्द होने लग गया, ये क्यों हुआ? अरे भाई 15-20 साल आपको मौका था, आपने नहीं किया, हम 6 महीने में कर दिया, तो अच्छा तो बोलो अच्छे के अच्छे चीज को। तो ये मौका हमें मिला कि हमारे राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य का ब्रांडिंग, शोकेसिंग करने का अवसर आपने हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, एवढंच मी सांगतो कि मुंबईचा विकास करायचा आहे, मुंबईचा चेहरा मोहरा बदलायचा आहे। गेले 20-25 वर्ष जे झालं नाही, हे सरकार 3-4-5 महिन्यामध्ये कामाला सुरुवात झाली आहे, लोकांना कळतंय, बदल जाणवतोय। किती कोणी टीका केली तरी सुद्धा या मुंबईतला मुंबईकर सुज्ञाय। आम्ही विकासाबरोबर पुनर्विकासाचे प्रकल्प पण पुढे नेतोय, त्यामध्ये जे थांबलेले प्रकल्प आहेत, मग ते सेस असेल, डीसेस, नॉन सेस असेल, डीसेसच्या बिल्डिंग असतील, आणखी काही इमारती असतील, त्याचा पुनर्विकासाचा मार्ग देखील आम्ही मोकळा करतोय। आणि मुंबईच्या बाहेर गेलेला मुंबईकर पुन्हा मुंबईमध्ये आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, एवढंही मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो। आणि म्हणून एवढंच मी सांगतो की पुढील 3 वर्षात मुंबईचा संपूर्ण कायापालट करण्याचा निर्धार आपल्या सरकारने केला। केंद्र सरकारचं भक्कम पाठबळ मोदी साहेबांच्या रूपाने आपल्या सोबत आहे, केंद्रात आणि राज्यात आपलं सरकार आहे। येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये महापालिकेच्या निवडणुका पण होतील, तेव्हा विकासाचं हे डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन मध्ये त्याचं रूपांतर होईल, एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो। मोदीजी, आदरणीय प्रधानमंत्रीजी,
आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, ये आशीर्वाद तो मुंबई विकास की रफ्तार गति शक्ति जैसी तेज होगी और अगले 2 सालों में मुंबई और महाराष्ट्र को नई पहचान हम दिलाने की कोशिश करेंगे, दिलाएंगे। आणि म्हणूनच आपण सर्वांनी मिळून आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली नवा महाराष्ट्र घडवण्याचा निर्धार करूया। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।